राजेश छाबड़ा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खुलकर बात की और कहा कि वह लोगों से बहुत आसानी से परेशान हो जाते थे। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत 2020 की फिल्म दिल बेचारा से निर्देशन की शुरुआत की, ने दिवंगत अभिनेता के मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष के बारे में बात की। द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में मुकेश ने कहा कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को सुनने में दिक्कत होती है क्योंकि उनसे जुड़ी यादें बहुत दुखद हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग इसी तरह के कारणों से दिल बेचारा का संगीत नहीं सुनते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्हें लगता है कि संगीत बहुत अच्छा है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मुकेश ने कहा। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें अपने संघर्षों के बारे में कोई अंदाजा है, मुकेश ने कहा, नहीं, यह महामारी के दौरान था। अगर मुझे पता होता कि वह किस दौर से गुजर रहा है तो मैं जाकर उससे बात करता। हम अक्सर मिलते रहते थे। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक हमारा रिश्ता मजबूत रहा। यह पूछे जाने पर कि क्या सुशांत बड़े प्रोजेक्ट से निकाले जाने से परेशान थे, मुकेश ने कहा, वह बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते थे। वह लोगों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे। अगर वह अपने बारे में कोई नकारात्मक लेख पढ़ता तो वह बहुत परेशान हो जाता। वह एक अति संवेदनशील व्यक्ति थे, हम सभी हैं। मुकेश ने अपनी फिल्मों में अपना सब कुछ देने के लिए सुशांत के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।